पिंचू कपूर ने 70 से 90 के दशकों में पिता के रोल खूब निभाए। इन्होंने ज्यादातर अभिनेत्री के अमीर और सख्त पिता के किरदार निभाए, जो हीरो हीरोइन के प्यार में दखल डालते और हीरो को ब्लैंक चेक ऑफर करते थे। फिल्मों में अमीर आदमी के किरदार निभाने वाले पिंचू कपूर असल जिंदगी में भी काफी अमीर थे। विभाजन के बाद इनका परिवार जयपुर आकर बस गया था। इनके परिवार के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उन दिनों जब थिएटर से जुड़े लोगों के पास टू व्हीलर वाहन भी नहीं होते थे, तब पिंचू कपूर जयपुर की सड़कों पर फोर्ड गाड़ी में घूमते थे। ये शौकिया तौर पर अभिनय की लाइन से जुड़े थे और इन्होंने आकाशवाणी में प्रोडक्शन असिस्टेंट की नौकरी भी की थी। पिंचू कपूर के राज कपूर से पारिवारिक रिश्ते थे। एक बार शशि कपूर जब जयपुर गए तो वो पिंचू को भी अपने साथ मुंबई ले आए थे। जयपुर में रहते हुए ही इन्होंने अभिनय में काफी कुछ सीख लिया था और साल 1946 में आई अनमोल घड़ी इनकी पहली फिल्म थी। शशि कपूर के साथ मुंबई आने के बाद पिंचू ने घर नहीं लिया, वो होटल में ही रहा करते थे। अपने करियर में इन्होंने रोटी बॉबी हवस, खानदान, हेरा फेरी, खुददार, ईमान धर्म, कुदरत पुकारो, डॉन समेत 200 फिल्मों में अभिनय किया। 28 अप्रैल 1989 को 69 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया था और इनके निधन के बाद भी इनकी कुछ फिल्में रिलीज होती रही।